हाय एवरीवन, वेलकम टू नवनीत आईएएस एकेडमी। सो हम यहाँ पे क्लास 7 की जो एनसीईआरटी है हिस्ट्री की, उसे कवर कर रहे हैं। एंड इस बुक का नेम है अवर पास्ट पार्ट 2, राइट। तो इसका जो है हमने 9 चैप्टर स्टार्ट किया था अपनी प्रीवियस वीडियो में, एंड 9 चैप्टर को हम जो है डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड करके जो है कंप्लीट करेंगे। एंड इसका जो है फर्स्ट पार्ट हमने कंप्लीट कर लिया है। इसमें हमने जो है बात की थी अबाउट दी रीजनल कल्चर्स जो यहाँ पे डेवलप हुए थे ड्यूरिंग दी मिडिवल पीरियड। तो कुछ और रीजनल कल्चर्स के बारे में जो है आज हम यहाँ पे बात करेंगे। एंड प्रीवियस वीडियो में हमने बात की थी अबाउट दी जगन्नाथ कल्ट के बारे में, एंड कथक डांस के बारे में बात की थी, मलयालम लैंग्वेज जो है वो किस तरह से डेवलप होती है चेरा किंगडम के अंडर। तो इन सब चीजों के बारे में हमने यहाँ पे बात की थी, एंड कुछ और इम्पोर्टेंट फैक्ट्स जो है रिगार्डिंग दी कल्चर जो ड्यूरिंग दी मिडिवल पीरियड यहाँ पे डेवलप हुए थे उनके बारे में जो है आज हम यहाँ पे बात करेंगे पार्ट 2 में, राइट। तो जो है 3 पार्ट्स में इस चैप्टर को हम यहाँ पे कंप्लीट करेंगे। सो दिस इज द टेलीग्राम चैनल लिंक, एंड इस पे जो है आपको डेली लेक्चर्स की पीडीएफ फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी, एंड द हिंदू एंड इंडियन एक्सप्रेस की डेली न्यूज आर्टिकल स्टोरी जो है उसकी भी इंफॉर्मेशन जो है वो आपको यहाँ पे मिलेगी। एंड इसका लिंक जो है वो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे चुकी हूँ, डायरेक्टली वहां पे जाके आप इसे फॉलो कर सकते हो, राइट। सो लेट्स कंटिन्यू विद द चैप्टर नंबर 9। तो इसमें आज हम यहाँ पे बात करेंगे अबाउट द पेंटिंग, कि पेंटिंग जो है वो किस तरह से यहाँ पे डेवलप होती है ड्यूरिंग द मिडिवल पीरियड, क्या चेंजेस यहाँ पे आते हैं, उन सब चीजों के बारे में हम बात करेंगे। सो मिडिवल पीरियड में क्या रहता है, किस टाइप की जो पेंटिंग थी वो थी मिनिएचर पेंटिंग। तो जो है मोस्टली अगर बात करें तो इसकी जो टाइप्स होती हैं पेंटिंग की वो दो होती हैं, एक होती है हमारे पास मुराल पेंटिंग एंड दूसरी है मिनिएचर पेंटिंग, राइट। तो मिडिवल पीरियड में जो है मिनिएचर पेंटिंग का ट्रेडिशन यहाँ पे काफी ज्यादा रहता है। मुगल्स ने मिनिएचर पेंटिंग को जो है काफी ज्यादा यहाँ पे डेवलप करवाया था, एंड देन उसके बाद में जो इंडिजीनियस कल्चर है हमारी कंट्री का, राइट, उन्होंने भी जो है मुगल पेंटिंग के कुछ फीचर्स को उठा के अपने इंडिजीनियस फीचर्स के साथ जो है इन्होंने ऐड किया था, एंड नए स्कूल्स जो होते हैं वो यहाँ पे डेवलप हो जाते हैं, या फिर हम बोल सकते हैं नई टाइप्स जो होती हैं मिनिएचर पेंटिंग की वो यहाँ पे डेवलप हुई थी ड्यूरिंग द मिडिवल पीरियड, राइट। तो मुराल पेंटिंग की अगर हम यहाँ पे बात करें, मुराल पेंटिंग जो होती है वो जो है साइज में काफी ज्यादा बड़ी होती है, बिग साइज की होती है, एंड उसे जो है मोस्टली जैसे कि सीलिंग्स हो गई, छत हो गए, वहां पे की जाती है, एंड या फिर जो कोई भी वॉल है, राइट, वॉल के ऊपर जो है वो पेंटिंग की जाती है, तो काफी बड़े साइज की ये होती है। ऑन दी अदर हैंड इफ वी टॉक अबाउट दी मिनिएचर पेंटिंग जो होती है, इसके नाम से ही हमें पता चल रहा है कि ये जो है काफी स्मॉल साइज की पेंटिंग होती है, एंड जनरली इसे जो है वॉटर कलर के साथ किया जाता है, कपड़े के ऊपर या फिर पेपर के ऊपर जो है इस तरह की पेंटिंग्स जो है वो की जाती है, राइट। तो मिनिएचर पेंटिंग जो होती है वो स्मॉल साइज की पेंटिंग्स होती हैं, वॉटर कलर का मोस्टली यहाँ पे यूज किया जाता है, एंड इसे क्लोथ या फिर पेपर के ऊपर किया जाता है इस तरह की पेंटिंग्स को। एंड इफ वी टॉक अबाउट दी मुराल पेंटिंग्स, तो उसमें जो है जो नेचुरल कलर्स होते हैं वो यूज किए जाते थे। तो एंशियंट हिस्ट्री की अगर हम बात करें या फिर एंशियंट पीरियड की बात करें, तो उस समय में मुराल पेंटिंग्स ही जो है वो की जाती थी, जैसे कि केव्स हो गई, जो बुद्धिस्ट केव्स थी या फिर जैन केव्स थी, तो वहां पे जो है उस तरह की पेंटिंग्स हमें देखने को मिलती हैं, मुराल पेंटिंग्स, एंड उसमें जो उन्होंने कलर्स यहाँ पे यूज किए हैं वो नेचुरल कलर्स हैं, जो नेचुरल यहाँ पे फ्लावर्स से जो कलर्स बना के वो कलर्स वहां पे उन्होंने यूज किए हैं। एंड मिनिएचर पेंटिंग में जो है वॉटर कलर यहाँ पे यूज किए जाते हैं, एंड इसे क्लोथ या फिर पेपर के ऊपर ही किया जाता है या फिर परफॉर्म किया जाता है, ओके। तो आपको जो है मेन डिफरेंस इसके बारे में पता चल गया होगा। एंड जो अर्लीस्ट मिनिएचर्स थी यहाँ पे, जो पहले अगर बात करें स्टार्टिंग मिडिवल पीरियड के स्टार्टिंग में जो मिनिएचर पेंटिंग की गई थी वो पाम लीव्स या फिर वुड के ऊपर ही की गई थी, एंड बाद में थोड़ा सा यहाँ पे ट्रेडिशन चेंज होता है, फिर उसे क्लोथ या फिर पेपर के ऊपर। अगर हम प्रेजेंट की बात करें तो आज तो क्लोथ या फिर पेपर के ऊपर जो है इस तरह की पेंटिंग की जाती है, बट जो अर्लीस्ट मिनिएचर्स थी वो पाम लीव के ऊपर या फिर वुड के ऊपर की जाती थी। तो वेस्टर्न इंडिया की जो है सबसे फेमस है मिनिएचर पेंटिंग्स, एंड वो जो है इन्होंने क्या किया, जो जैन टेक्स्ट है ना, जितने भी जैन टेक्स्ट है उसमें जो भी स्टोरीज बताई गई हैं उन स्टोरीज को जो है इन्होंने दिखाने की कोशिश की हुई है थ्रू दी मिनिएचर पेंटिंग। तो वो वेस्टर्न इंडिया की जो मिनिएचर पेंटिंग्स है वो सबसे ज्यादा ब्यूटीफुल है, सबसे बेस्ट एग्जाम्पल हम ले सकते हैं। एंड आफ्टर दैट इफ वी टॉक अबाउट दी मुगल्स, तो मुगल एम्परर्स जैसे कि अकबर हो गया, जहांगीर, शाहजहां हो गया,
राइट, उन्होंने भी जो है मिनिएचर पेंटिंग्स को जो है काफी ज्यादा जो है एक तरह से सपोर्ट किया था, एंड उन्होंने अपने कोर्ट्स में हाईली स्किल्ड पेंटर्स जो होते हैं वो उन्होंने हायर किए हुए थे, जो कि अलग अलग एरिया से बिलोंग करते थे, एंड उनकी जो है स्किल के अकॉर्डिंग ही जो है उन्होंने हायर किया था। एंड ये क्या करते थे, जो डिफरेंट हिस्टोरिकल अकाउंट्स होते हैं हमारे या फिर जो पोएट्री होती है वहां से जो है ये थीम्स को उठाते थे एंड उनकी पेंटिंग्स वो जो है किया करते थे। तो अकबर ने तो जो है इसका कारखाना भी जो है बना रखा था, जस्ट वहां पे जो है ये पेंटिंग का ही काम करवाते थे, हाईली स्किल्ड पेंटर्स जो है इन्होंने हायर किए हुए थे। तो इनके मुगल्स के समय में जो पेंटिंग के लिए कलर्स यूज किए जाते थे ना, वो काफी ब्रिलियंट कलर्स होते थे, काफी रिच कलर हुआ करते थे, एंड मोस्टली इनके थीम्स क्या रहते थे, तो ये चीजें जो है डायरेक्टली यूपीएससी प्रीलिम्स में पूछी जाती हैं कि किस थीम के जो है वो यहाँ पे पेंटिंग करवाते थे मुगल्स। तो उनके कोर्ट सीन्स जो हो गए, या फिर बैटल के सीन हो गए, हंटिंग के सीन्स हो गए, या फिर कुछ सोशल लाइफ के जो एस्पेक्ट्स होती हैं वो यहाँ पे जो है पेंटिंग के थ्रू डिपिक्ट किए हुए हैं इन्होंने, जो मुगल एम्परर्स हैं, राइट। तो ये इनकी जो है मेन थीम रहती हैं, कौन कौन सी होगी, कोर्ट सीन्स, बैटल के सीन्स, हंटिंग सीन्स हो गए, या फिर कुछ और सोशल लाइफ के जो है एस्पेक्ट्स हो गए जो हमारी डेली लाइफ होती है, तो उनके सीन्स जो है वो इन्होंने यहाँ पे डिपिक्ट किए हुए हैं। तो जो मेन एक तरह से ये जो पेंटिंग को जो है ना नेचुरल रखने की ये कोशिश करते थे, जो नेचुरल चीजें यहाँ पे हमारी लाइफ में होती है ना वो ये दिखाने की कोशिश करते थे। तो इस पिक्चर में आप यहाँ पे देख भी पा रहे हो कि ये जो है काफी छोटे साइज के जो है उन्होंने जितने भी ह्यूमन की पेंटिंग्स यहाँ पे बनाई हुई है वो काफी छोटे साइज की हैं। तो इसे देख के आपको पता चल रहा है कि ये जो है मिनिएचर पेंटिंग है, एंड जो कलर्स यहाँ पे यूज किए गए हैं वो काफी ज्यादा रिच कलर हैं, एंड इसमें जो है कोर्ट सीन को डिपिक्ट करने की कोशिश की गई है पेंटर के द्वारा। तो ये जो पेंटिंग्स थी या तो ये अपने घर में भी लगवाते थे, एंड दूसरा जो है गिफ्ट के तौर पे भी जो है इन पेंटिंग्स को ये यूज किया करते थे मुगल्स, एंड जैसे कि एम्परर हो गए या फिर उनके जो क्लोज एसोसिएट्स हैं, उनके जो फैमिली मेंबर्स हो गए, तो उन्हें जो है ये एक तरह से एज ए गिफ्ट भी इन पेंटिंग्स को दिया करते थे। बट जब यहाँ पे मुगल एम्पायर जो है वो डिक्लाइन हो जाती है, हमने देखा था कि मुगल एम्परर्स ने अलग अलग एरिया से पेंटर्स को हायर करके अपने कारखाने में जो है उन्हें हायर किया हुआ था, वहां से वो पेंटिंग करवाते थे। बट जब मुगल एम्पायर डिक्लाइन हो जाती है तो अब इन पेंटर्स के पास अर्निंग का कोई भी साधन नहीं रहता है, तो ये पेंटर्स क्या करते हैं, ये अलग अलग एरियाज में अब जो है मूव करना स्टार्ट कर देते हैं। कौन से एरिया में ये मूव करते हैं, जो नई रीजनल स्टेट्स यहाँ पे बन रही थी, छोटी छोटी जो स्टेट्स यहाँ पे बन रही थी। हमने पढ़ा है कि जब मुगल एम्पायर डिक्लाइन हो गई थी उसके बाद में जो है छोटी छोटी जो स्टेट्स हैं, जैसे कि इनके गवर्नर्स ही हुआ करते थे जो मुगल्स के, तो वो इंडिपेंडेंट हो जाते हैं एंड वहां के रूलर्स जो है वो खुद बन जाते हैं, छोटी छोटी रीजनल स्टेट्स जो है वो यहाँ पे बननी स्टार्ट हो जाती है। तो अब ये जो पेंटर्स हैं वो उन स्टेट्स की तरफ जो है मूव करना स्टार्ट कर देते हैं। तो क्या होता है यहाँ पे, अगर डेक्कन एरिया की बात करें या फिर राजस्थान की बात करें, तो वहां पे उन्होंने जो है अपने कुछ जो है उनके इंडिजीनियस जो ट्रेडिशन होते हैं उसके साथ मुगल्स के आर्टिस्टिक टेस्ट को जो है उन्होंने कंबाइन कर लिया था, एंड नए स्कूल जो होते हैं पेंटिंग के वो यहाँ पे डेवलप हो जाते हैं। तो डेक्कन स्कूल ऑफ पेंटिंग, ये जो है काफी ज्यादा फेमस है। दूसरा है यहाँ पे राजपूत कोर्ट्स जो थे यहाँ पे राजस्थान के, वहां पे राजस्थान की जो पेंटिंग है वो काफी ज्यादा फेमस रहती है, राइट। एंड हाउएवर जो है इन्होंने मुगल आर्टिस्टिक टेस्ट के साथ जो है ये काफी ज्यादा प्रभावित भी होते हैं, बट इनका जो अपना एक डिस्टिंक्टिव कैरेक्टरिस्टिक्स था ना, उसे जो है ये रिटेन रखते हैं, उसे जो है ये वैसे का वैसा ही रखते हैं, बट थोड़े फीचर्स जो है ये उठा लेते हैं मुगल्स के भी। तो इन्होंने क्या किया था, किस टाइप की जो है इनकी थीम रहती है यहाँ पे राजपूत कोर्ट्स में, जैसे कि वही रूलर्स के पोर्ट्रेट्स हो गए या फिर कोर्ट सीन्स हो गए, उन्हें उनकी पेंटिंग करवाई थी, एंड मुगल्स के एग्जाम्पल को ही जो है ये फॉलो कर रहे थे। एंड इसके अलावा कुछ माइथोलॉजीज होती हैं या फिर जो पोएट्रीज होती हैं, राइट, उनसे जो है ये थीम्स को उठाते थे, उनकी स्टोरीज को ये उठाते थे एंड उन्हें जो है पेंटिंग के थ्रू ये दिखाने की कोशिश करते थे। तो राजस्थान के जैसे मेवाड़ एरिया, जोधपुर, बूंदी, कोटा एंड किशनगढ़ एरिया हो गया, वहां पे जो है इस तरह की थीम्स को ये फॉलो किया करते थे।
तो अनदर रीजन जो यहाँ पे मिनिएचर पेंटिंग से काफी ज्यादा अट्रैक्ट हुआ था वो थे हिमालयन फुट हिल्स, जो कि आज का प्रेजेंट डे का हमारा जो हिमाचल प्रदेश का जो एरिया बनता है, मॉडर्न डे स्टेट ऑफ द हिमाचल प्रदेश, तो वो भी जो है मिनिएचर पेंटिंग से काफी ज्यादा अट्रैक्ट हुए थे एंड उन्होंने भी जो है एक अपना डिस्टिंक्ट स्टाइल जो है वो यहाँ पे डेवलप कर लिया था। तो ये जो है काफी ज्यादा बोल्ड पेंटिंग्स इनकी हुआ करती थी एंड काफी इंटेंस स्टाइल था इनका मिनिएचर पेंटिंग का। एंड इनकी पेंटिंग को यहाँ पे जो हिमाचल प्रदेश में जो स्कूल यहाँ पे डेवलप हुआ था पेंटिंग का, उसे हम जो है एक अलग नेम देते हैं, दैट इज नोन एज द बशोली स्कूल ऑफ पेंटिंग, राइट। तो ये जो पिक्चर आप यहाँ पे देख पा रहे हो ये जो है बशोली स्कूल ऑफ पेंटिंग की है एंड काफी ज्यादा बोल्ड इमेजेस आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगी, जैसे कि ये जो ह्यूमन फिगर आप यहाँ पे देख पा रहे हो एंड मोस्टली जो है इसका यहाँ पे साइड फिगर आप देख पा रहे हो, तो मोस्टली जो साइड है एक ह्यूमन बींग की वही दिखाने की इन्होंने कोशिश की हुई है इन पेंटिंग्स में। एंड इनके जो आईज है वो काफी बल्ज है, काफी बड़ी बड़ी आईज जो है वो इन्होंने यहाँ पे दिखाने की कोशिश की हुई है। तो ये इनके जो है मेन फीचर्स है इनकी पेंटिंग के, बशोली पेंटिंग के। सो देन उसके बाद में क्या होता है कि आप जो है दिल्ली में भी अभी जो है कुछ पेंटर्स वहां पे थे, हाउएवर कुछ पेंटर्स तो मूव कर चुके थे दूसरे एरियाज में, बट फिर भी दिल्ली में जो है कुछ पेंटर्स रुक जाते हैं। बट जब अफगानिस्तान से नादिर शाह जो है वो इन्वेड करना स्टार्ट कर देते हैं हमारे भारत को एंड दिल्ली को जो है वो कॉन्क्वेस्ट कर लेते हैं 1739 में, तब क्या होता है कि मुगल आर्टिस्ट जो है वो टोटली वहां से जो है निकल जाते हैं एंड हिल्स की तरफ वो चले जाते हैं, क्योंकि प्लेन्स में यहाँ पे काफी ज्यादा अनसर्टेनिटी थी, कुछ नहीं पता चल रहा था कि वहां का रूलर कौन सा है एंड कौन सा रूलर यहाँ पे जो नया आएगा वो किस तरह का होगा, तो वहां की अनसर्टेनिटी से जो है ये बचने के लिए हिल्स की तरफ माइग्रेट कर देते हैं। तो यहाँ पे एक हिल्स की अगर बात करें तो वहां पे एक और स्कूल जो है वो काफी ज्यादा फेमस होता है, डेट इज नोन एज द कांगड़ा स्कूल ऑफ पेंटिंग। तो ये जो आप पिक्चर यहाँ पे देख पा रहे हो दिस इज अ कांगड़ा स्कूल ऑफ पेंटिंग की ही जो पिक्चर है वही स्टाइल है ये। तो मिड 18th सेंचुरी में ये कांगड़ा के एरिया में जो है काफी ज्यादा डेवलप होती है, ये जो कांगड़ा आर्टिस्ट थे उन्होंने एक डिस्टिंक्टिव जो स्टाइल होता है वो यहाँ पे डेवलप किया था, हाउएवर कुछ स्टाइल इन्होंने मुगल्स के भी फॉलो किए थे एंड एक नई स्पिरिट जो होती है ना मिनिएचर पेंटिंग में वो उन्होंने यहाँ पे डाल दी थी कांगड़ा के आर्टिस्ट ने। तो इनकी थीम क्या रहती है, वैष्णवी ट्रेडिशंस, मीन जो वैष्णवी ट्रेडिशंस होते हैं लॉर्ड कृष्णा को जो है ये फॉलो करते थे या फिर लॉर्ड विष्णु को जो है ये फॉलो किया करते थे, उनकी लाइफ सीन्स जो होते हैं उनके लाइफ के वो यहाँ पे डिपिक्ट करने की ये कोशिश किया करते थे। तो काफी सॉफ्ट कलर का ये यूज करते थे, जैसे कि कूल ब्लू कलर हो गया या फिर ग्रीन कलर हो गया, जैसे पिक्चर में आप देख भी पा रहे हो कि मोस्टली यहाँ पे जो है इन्होंने ग्रीन कलर का ही यूज किया हुआ है पेंटिंग में। एंड देन उसके बाद में जो लिरिकल ट्रीटमेंट है ना थीम्स का वो यहाँ पे दिखाने की ये कोशिश किया करते थे, जो जैसे कि रोमांटिक सीन्स हो गए उनको यहाँ पे ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। तो उसके अलावा यहाँ पे जो ऑर्डिनरी वुमेन या फिर मेन है, जो आम लोग हैं वो भी अपनी पेंटिंग्स जो है वो यहाँ पे करवाया करते थे या फिर वो खुद भी पेंटिंग यहाँ पे किया करते थे। ऐसा नहीं है कि ओनली जो आर्टिस्ट है वो ही पेंटिंग करेंगे, तो जो ऑर्डिनरी वुमेन एंड मेन जो है राइट, उन्हें भी जो है काफी शौक था पेंटिंग करने का। तो वो पोर्ट्स के ऊपर, वॉल्स जो होती हैं घरों की, फ्लोर्स, क्लोथ जो है राइट, उनके ऊपर वो पेंटिंग किया करते थे। एंड बट ये जो पेंटिंग है जो कि आम लोगों के द्वारा की गई है राइट, वो कुछ ही पेंटिंग जो है वो अभी सरवाइव कर पाई हैं, सभी जो है वो खराब हो चुकी हैं, नष्ट हो चुकी हैं। एंड बट जो जो फेमस रूलर्स हैं उनकी जो मिनिएचर्स हैं उन्हें काफी केयरफुली प्रिजर्व करके रखा गया था एंड काफी सेंचुरी से जो है वो हमारे पास अवेलेबल है, दैट इज वाई वो हमारे लिए एक सोर्स बनता है इंफॉर्मेशन का, जो हम यहाँ पे मिडिवल पीरियड के बारे में इंफॉर्मेशन जो है निकाल सकते हैं वहां से। ओके, उनके कोर्ट सीन्स के बारे में हमें पता चलता है, उनकी लाइफ स्टाइल के बारे में हमें यहाँ से पता चलता है मिडिवल पीरियड के रूलर्स के, राइट। सो विद दिस हमने ये टॉपिक जो है वो कंप्लीट हो चुका है हमारा यहाँ पे पेंटिंग का। तो पेंटिंग जो है वो काफी ज्यादा यहाँ पे डेवलप होती है ड्यूरिंग द मिडिवल पीरियड। तो मेन जो पैटर्न्स थे पेंटिंग के यहाँ पे ड्यूरिंग द मिडिवल पीरियड वो मुगल्स ही थे, हावर उनके डिक्लाइन के बाद में कुछ रीजनल कल्चर्स भी यहाँ पे डेवलप होते हैं, बट मेन जो यहाँ पे पैटर्न्स थे मिनिएचर पेंटिंग के ड्यूरिंग द मिडिवल पीरियड वो मुगल्स ही थे। जितनी भी यहाँ पे पूरी लाइनेज है इनकी मुगल्स की, सभी ने जो है यहाँ पे अपनी खुद की भी पेंटिंग करवाई थी एंड एक हिरार्की जो होती है इनकी फैमिली की वो भी जहाँ पे जो है उन्होंने दिखाने की कोशिश की थी थ्रू द पेंटिंग,
राइट, सो विल कंटिन्यू विद दिस सेम चैप्टर इन अवर नेक्स्ट वीडियो. चैप्टर नंबर 9 को ही जो है कंटिन्यू करेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में. एंड कुछ और जो रीजनल कल्चर्स यहाँ पे डेवलप हुए थे, बंगाली लैंग्वेज के बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे, वो किस तरह से डेवलप हुआ था, एंड कुछ और इम्पोर्टेंट फैक्ट्स के बारे में हम पढ़ेंगे. राइट, सो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में. एंड अगर आपको मेरा कोर्स पसंद आया तो इसे शेयर करना ना भूलें. थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय बाय.